उन्नत भारत योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की तस्वीर अब बदल रही है और इस योजना के तहत दिल्ली आईआईटी के छात्रों ने 2017 में हरिद्वार के 5 गांवों को गोद लिया। इन गांवों की बंजर भूमि पे छात्रों के रिसर्च और नई तकनीक की मदद से अब लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। इसके साथ ही इन इलाकों में आईआईटी छात्रों की मदद से किसानों ने मशरूम की खेती भी शुरू की। साथ ही इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थान से जोड़ने की मुहिम भी अब जोर पकड़ रही है। ये गंगा का किनारा है और लहलहाते हरे भरे खेत जो कुछ सालों तक बंजर हुआ करते थे, लेकिन आज आईआईटी दिल्ली के छात्रों की सोच और किसानों की मेहनत की बदौलत इस पूरे इलाके में हरियाली है। उन्नत भारत योजना के तहत आईआईटी दिल्ली के छात्रों की पहल पर आज उत्तराखंड का गैंडी खाता इलाका विकास के पथ पर दौड़ रहा है। यहाँ के किसान बंजर भूमि पर नई तकनीक के जरिए लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। हरिद्वार में पड़ने वाले गैंडी खाता के 5 गांव के विकास की जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने अपने कंधों पर उठा रखी है। हम लोगों ने प्रोफेसर नायक आईआईटी दिल्ली के हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहां पे हम लोग लेमन ग्रास की खेती प्रारंभ की। उन्होंने सजेस्ट किया और हम लोगों ने लेमन ग्रास फार्मर्स को बताए, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग किए। दरअसल ये वो इलाका है जहां किसानों को सबसे ज्यादा जंगली जानवरों का खतरा रहता है और फसलों को जानवर काफी नुकसान भी पहुंचाते थे। उन्नत भारत अभियान के तहत आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने हरिद्वार के 5 गांवों को गोद लिया। ये वो गांव थे जहां पे किसानों की जमीन जो है बंजर पड़ी हुई थी। अपनी रिसर्च करके और अपने अनुभव के साथ उन्होंने इस गांव के लिए एक सॉल्यूशन निकाला। जिस जगह हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं, फिलहाल आपको हरियाली ही हरियाली दिख रही होगी, लेकिन आज से 4 साल पहले यहाँ पे ये हरियाली नहीं थी। ये जो जमीन है, कम से कम 40 बीघा ये जमीन है इस समय जहाँ पे हम मौजूद है, ये बंजर पड़ी हुई थी। लेमन ग्रास की खेती के बाद किसानों को न सिर्फ जंगली जानवरों से छुटकारा मिला बल्कि किसान उन्नत भारत योजना से जुड़कर अपनी आय को भी बढ़ाते जा रहे हैं। ये 40 बीघे का खेत है मैम, यहाँ की हालात बहुत बुरे थे, बंजर जमीन थी जी, कुछ भी चीज उपजाऊ नहीं थी। एक स्कीम आई सहकारिता विभाग से, संकुल के हिसाब से जुड़े जी हम, उस स्कीम के तहत ये लेमन ग्रास लगाई गई जी। इस लेमन ग्रास एज अ करियर कैसे इन्हांस करें या उसको एज अ करियर हम लोग कैसे ऑप्ट कर सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज में, सो हम बच्चों से बात करते हैं, उन्हें उस बारे में बताते हैं कि वो आगे क्या कर सकते हैं, अगर उनको ये करना है तो उसका पाथवे क्या है। उत्तराखंड समेत देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों के लिए उन्नत भारत योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस योजना से अब इन इलाकों की तस्वीर भी बदल रही है। कि जब कोई स्कॉलर किसी गांव में जाता है किसानों की मदद के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वहां के जो सरकारी स्कूल है वहां पे वो उन बच्चों से मिलते हैं और उनसे अपना अनुभव साझा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद उन्हें स्पेशल क्लासेस देते हैं। अगर कोई बच्चा हरिद्वार जैसे गांव में रह रहा है और वो इंजीनियर बनना चाहता है तो वो आगे कैसे 12वीं के बाद आईआईटी में जा सकता है, इसकी जानकारी जो है आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स यहां पे हरिद्वार में बच्चों को दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज़।